गुड आफ्टरनून छात्रों, आज कक्षा 11 रसायन विज्ञान का जो चैप्टर है तत्वों के वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। तो मैं पिछले वीडियो में आपको जो है एक टॉपिक बताया था कि वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आवर्त सारणी, अर्थात वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी और सारणी बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया हूँ। फिर आज की जो हमारी टॉपिक है मेंडेलीय की मूल आवर्त सारणी, जो सर्वप्रथम जो है प्रस्तुत की गई थी कि श्रेणीबद्ध करके जो है तत्वों को एक निश्चित एक समूह में रखा जाए, एक ग्रुप में रखा जाए ताकि इनका अध्ययन जो है आसान हो जाए। ये जो आवर्त सारणी मेंडेलीय द्वारा जो प्रस्तुत की गई थी ये सन 1871 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। इसमें जो है कुल तत्वों की संख्या जो 58 अर्थात 58 थी। ऐसा आवर्त सारणी की जो है मुख्य गुण को देखा जाए तो यह आवर्त सारणी जो है 8 समूहों में बटी, अर्थात जो है ग्रुप की संख्या कितनी है 8 है। और फिर उसके बाद श्रेणी अर्थात सीरीज जो कितने हैं 12 सीरीजों में पूरा बटा हुआ है। आयनी श्रेणियों और वर्गों में आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे रिक्त स्थान भी है और कहीं पे तत्वों का वर्णन किया गया है। और खास बात इस आवर्त सारणी की ये है कि इन तत्वों को जो है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, क्योंकि उस समय जो है आवर्त नियम यह था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्तिक फलन होते हैं। इस कारण से जो है तत्वों के जो गुणों को मेन आधार क्या बनाया गया, परमाणु भार। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम को देखेंगे उसमें कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्तनिक फलन होते हैं। ये बात मेरे सत्र में पता चला है। तो ये जो है तत्वों की ये जो है मेंडेलीय की मूल आवर्त सारणी का मेन आधार क्या है, परमाणु भार के आधार पर इस आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो है तत्वों की कुल संख्या कितनी है 58 है 58। तो सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व तो कौन है इसमें आपको दिख रहा है, इसमें जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु भार क्या है 1 है। और सबसे अधिक परमाणु भार वाला देखा जाए तो इसमें जो है छठवें समूह में हमारा तो क्या है यूरेनियम है। यूरेनियम एक जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है धातु है, जो यदि आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो ये जो है लैंथनाइड श्रेणी का एक तत्व है जिसका प्रयोग जो है विद्युत के उत्पादन में और परमाणु बम के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और परमाणु बम जैसा आप जानते हैं नाभिक विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत में कार्य करता है। तो इसमें जो है तत्वों की संख्या कितनी है 58 है। इसको जो है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। जैसा आप सब देख रहे हैं सन 1871 ईस्वी में ये जो है केवल हाइड्रोजन था और फिर उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें और सातवें समूह में अर्थात ग्रुप में जो है कोई तत्व की खोज नहीं की गई थी। आगे वाले जो है द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों की खोज नहीं की गई थी, इसलिए जो इसे जो है खाली छोड़ दिया गया ताकि जो भविष्य में जो खोजे जाएंगे इन स्थानों पे जो तत्वों का समावेशन होगा। फिर उसके बाद जो है दूसरी हमारी सीरीज है, दूसरी सीरीज में देख रहे हैं लिथियम है। लिथियम का एटम नंबर द्रव्यमान संख्या यहाँ पर परमाणु क्रमांक नहीं, द्रव्यमान संख्या होगा। द्रव्यमान संख्या कितनी है 7 है। इसी तरह से जो बेरिलियम का 9.4 है, बोरान का जो है क्या 11 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और क्लोरीन का क्या है 19 है। जबकि हमारा जो आठवां समूह क्या है रिक्त है, अर्थात इसमें जो है कोई तत्व की खोज उस समय नहीं हुई थी। फिर उसके बाद जो है क्या तीसरा श्रेणी है इसमें जो है सोडियम है, सोडियम की द्रव्यमान संख्या क्या है 23 है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की 24, एल्यूमिनियम 27.3, सिलिकॉन का 28 है, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। जबकि आठवां समूह जो है आठवां समूह क्या हो गया रिक्त आ गया। ये जो है ऐसे ऐसे जो कॉलम है इन्हें हम क्या कहेंगे
समूह जो इस तरह से जो है क्षैतिज पंक्ति जा रही है, ये हम क्या कहेंगे, श्रेणी। तो इस तरह से जो देखा जाए ये तीसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी और आठवां समूह में जो है कोई तत्व तो नहीं खोजा गया था, इसलिए इसको जो है क्या कहा गया, रिक्त छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जो है चौथी श्रेणी में हम देखेंगे कि ये जो है पोटेशियम है, पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है 39। फिर उसके बाद कैल्शियम और तीसरा समूह क्या है, ये जो खाली है तीसरे ये चौथी सीरीज में, चौथी सीरीज में जो तीसरा समूह क्या है खाली है, क्योंकि इसमें जो तत्वों की खोज नहीं हुई थी, क्योंकि 40 के बाद जो है कौन सा परमाणु द्रव्यमान संख्या आएगी 41, 42, 43 इस तरह से खोज नहीं हुई थी, इसलिए जो 48 वाला जो तत्व मिला टाइटेनियम इसको रखा गया। देख रहे हैं सबको जो है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, यहाँ पर जो 40 है फिर उसके बाद 48, वेनेडियम 51, क्रोमियम 52, मैंगनीज 55। फिर उसके बाद जो है आप जो है मूल आवर्त सारणी को देखेंगे, इसको जो जगह की कमी की वजह से मैं एक ही लाइन में लिख दिया हूँ, जबकि इन तत्वों को जो नीचे की तरफ एडजस्ट करना है, जैसे आयरन है 56 है, फिर उसके बाद कोबाल्ट जो है इसके नंबर पे यहाँ पर आएगा, निकिल 59 जो है इसके नीचे, और फिर उसके बाद कॉपर 63 जो है इसके नीचे, इस तरह से नीचे की श्रेणी आएगी। जैसा मैं यहाँ जगह छोड़ा हूँ क्योंकि लिखूंगा तो ये बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको जो एक ही लाइन में एडजस्ट कर दिया हूँ। फिर उसके बाद जो है पांचवी सीरीज है, पांचवी सीरीज में जो है फर्स्ट समूह में जो है खाली जगह है, फिर इसके बाद दूसरी में, दूसरे समूह में क्या है जिंक जिसका 65 है, तीसरा खाली है और चौथा समूह खाली है। फिर इसके बाद पांचवे में आरसे इसका द्रव्यमान संख्या 75, सेलेनियम 78, ब्रोमीन 80। फिर इसके बाद जो है आठवां समूह क्या है खाली है। आगे देखिए इसमें छठवां सीरीज देखिए, छठवे नंबर के सीरीज में फर्स्ट बल्ब में जो है रुबिडियम है, स्ट्रांसियम है, स्ट्रांसियम 87, ये जो तीसरा खाली है, जर्कोनियम 90, नियोबियम 94, मोलिब्डेनम 96, ये सातवां वाला खाली है, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और ये चांदी ये चीज सिल्वर कहते हैं, इनको भी उसी तरह से नीचे एडजस्ट किया जाएगा। सबसे पहले 104, फिर उसके बाद 106 नीचे रहेगा, 108 नीचे रहेगा, इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। इन तत्वों को जो है, इन सभी तत्वों को जो है, ये जितने भी तत्व दिख रहे हैं इनको जो है किस श्रेणी में रखा गया है, छठवीं श्रेणी में। आयन सभी तत्वों को किस श्रेणी में रखा गया है, यहाँ से जाएंगे तो देखेंगे चौथी श्रेणी में, अर्थात चौथी श्रेणी में, चौथी श्रेणी में आठवें समूह में देखेंगे तो चार तत्व है, फिर उसके बाद जो है पांचवी श्रेणी में आप देखेंगे, पांचवी नहीं छठवीं श्रेणी में ये वाला खाली है, छठवें में कितने तत्व है, छठवें श्रेणी में आठवें समूह में तत्वों की संख्या कितनी है, चार है, इनको नीचे एडजस्ट किया जाएगा। इसी तरह से सातवां है कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, यूरेनियम, आयोडीन, ये वाला खाली है। फिर उसके बाद जो है सीजियम, आठवें में सीजियम 135, बेरियम 100, बेरियम 137, ये वाला खाली है। इस तरह से ये पूरा खाली दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद दसवें में देख रहे हैं ये खाली है सेलेनियम, टंगस्टन, फिर उसके बाद ऑस्मियम, ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है, सबसे वजनी धातु है, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, ये टंगस्टन जो है इस सबसे उच्च गलनांक वाले जो है धातु है, जिसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, जैसे विद्युत बल्ब हो गया उसमें जो फिलामेंट होते हैं टंगस्टन धातु के बने होते हैं, और इसका जो गलनांक देखा जाए तो 3700 सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 3700 सेंटीग्रेड गर्म करेंगे तब जा करके जो है क्या होता है पिघलना शुरू होता है। ऑस्मियम सबसे भारी है, इरिडियम, प्लेटिनम और ये गोल्ड है सोना, जैसे आप जो है सबसे ये जो है चांदी जो है सबसे अधिक विद्युत की सुचालक है,
आइए चांद सोना क्या है सबसे शॉर्ट लिया जाए इसे 1 ग्राम जो है सोने से जो है 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है अर्थात जो है वो तन्य है तार के रूप में डाला जा सकता है। फिर उसके बाद जो है 11वें में देख रहे हैं मरकरी टेल्यूरियम लेड बिस्मथ ये सभी खाली है। फिर उसके बाद 12वीं श्रेणी में देख रहे हैं ये सब खाली है टेरियम है और ये जो है यूरेनियम। तो 1871 ईस्वी में हमारे जो है 58 तत्व खोजे गए थे इन सभी तत्वों को इस श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया है। फिर बाद में जो है तमाम इसमें मॉडिफिकेशन हुए रूपांतरण हुए और रूपांतरण के परिणाम स्वरूप जो है हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत हुई। लेकिन जो है इस आवर्त सारणी के जो हमारे जो नाम है या कहें तो मेंडेलीय की मूल आवर्त सारणी के नाम या तो इससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है तो इसमें पहला है तत्वों के अध्ययन में सुविधा। जैसे ही तत्वों को एक निश्चित श्रेणी या समूह में क्रमबद्ध कर दिया गया तो अध्ययन में क्या होगी सुविधा होगी कि ये जो समूह में जो तत्व होंगे इनके गुण क्या होंगे एक जैसे होंगे समान होंगे इनके गुण जो है उससे थोड़ा सा भिन्न होंगे तो अध्ययन में क्या होगी सुविधा होगी। फिर उसके बाद जो है सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता कि जैसे हम जो है इनके जो परमाणु भार जो ये प्रिडिक्ट कर दिया गया कि इसका 7 है तो भविष्य में यदि शोध होगा यदि इसमें कुछ कमी या अधिक होगा तो इसको जो है प्रूव करके सिद्ध किया जा सकता है ताकि वैज्ञानिक इस पर जो है रिसर्च कर सके और इसके सही परमाणु भार को बता सके इसमें कमी या अधिक है। तो मैं जो तत्वों की इसमें जो परमाणु भार द्रव्यमान संख्याएं दे सकते हैं इसमें जो है आपको जो है आगे जो कमियां मैं बताऊंगा उसको जो है वहां पे टॉपिक स्पष्ट हो जाएगी। देखिए सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक ये आवर्त सारणी से जो है तत्व के जो है परमाणु भार की सही क्रम का ज्ञान मिलता है। अब फिर इसके बाद जो हमारे लास्ट इसके गुण क्या है नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक जो नए तत्व कहां खोजे जाएंगे जो जैसे आप देख रहे हैं एक है फिर उसके बाद खाली है कि खाली जगह में कोई तत्व होगा आप देखेंगे वर्तमान में जो है 116 तत्वों की खोज हुई है तो इसमें केवल 58 है तो ये जो खाली जगह थी उन्हीं में तो भरा गया तो अनुसंधान होगा रिसर्च होगा तब जाकर के नए तत्वों की भरपाई होगी और एक जो मॉडल केवल आपको जो है मिलेगा जो हम जो एक क्रमवार चलते हुए जो है उसको बॉर्डर पीरियडिक टेबल को जो है अगली बारी वीडियो में इसके पहले जो है नीचे जो बुक पढ़ लिया फिर उसके बाद दोस्त को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना रहेगा धन्यवाद।